ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सामान्य टीबी का इलाज 6 महीने और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज 24 महीने तक चल सकता है। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। निजी अस्पतालों में भी ऐसा ही इलाज होता है, लेकिन वहाँ कोई निगरानी नहीं रखी जाती। किसी भी स्थिति में इलाज पूरा करना जरूरी है। मैं मदद करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर कुछ सुझाव देना चाहूंगी। पहले थोड़ा व्यवस्थित बने, जैसे मैंने अपने इलाज के लिए एक चार्ट बनाया था। साथ ही जैसे अपने मोबाइल पर अलार्म भी सेट किए, जो मुझे समय पर दवा लेने की याद दिलाते थे। दूसरी बात ये कि मैं अपने डॉक्टर्स और अपने परिवार से साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करती थी, जिससे वो मुझे इससे लड़ने में मदद कर सके। अपने डॉक्टर्स को बताने के लिए मैं अपने साइड इफेक्ट्स को एक डायरी में भी लिखती थी। मेरे परिवार ने भी हर रोज मेरा मनोबल बढ़ाया, जिससे मुझे काफी मदद मिली। टीबी को मात देने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना जरूरी है। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमने एक दवा का कैलेंडर तैयार किया है और मनोबल बढ़ाने वाले संदेश भी तैयार किए हैं। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड करें या हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करें। आइए हम सब मिलकर टीबी से लड़ें।